सो कैसे दोस्तों, आई आप सब बढ़िया हो गए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेस्ट शाओमी हाइपर ओएस थीम, जो कि आपको यहाँ पर हाइपर ओएस की लुकिंग प्रोवाइड करेगा। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, काफी ज्यादा कूल अच्छे वॉलपेपर्स एंड कंट्रोल सेंटर की लुकिंग देखने को मिल जाएगी। एंड इनफैक्ट आप लोग यहाँ पे देखोगे काफी ज्यादा अच्छी लुकिंग आपको देखने को मिल जाएगी। आप लोगों की हाइपर ओएस कलर यहाँ पे जो चेंज कर सकती है क्लॉक, एंड यहाँ पर लोक्स में तो मल्टीपल ऑप्शन या मल्टीपल फीचर्स के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ पे देखोगे आपको एओडी मोड देखने को मिल जाएगा, डबल टैप करके आप लोग इसको यहाँ पे ऑन कर सकती है। म्यूजिक कंट्रोलर देखने को मिल जाएगा, म्यूजिक स्विफ्ट, एंड यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन इन आउट जो ट्रांजेक्शन है वो काफी ज्यादा स्मूथ है। एंड यहाँ पर अगर डबल टैप करते हो तो एओडी मोड में शिफ्ट हो जाने वाली काफी ज्यादा अच्छी ट्रांजेक्शन देखने को मिल जाती है। एंड अगर कैश पे टैप करते हो आपको यहाँ पे कुछ ये वॉलपेपर भी देखने को मिल जाते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो कुछ न्यू फीचर्स हैं, ऑलरेडी मैं इन सब पे यहाँ पे वीडियो बना चुका हूँ तो फालतू के फीचर मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, एक थीम था सिमिलरली करके जो कि आप ही लोगों ने यहाँ पे मेरे को सजेस्ट किया था कि भाई इसको वीडियो बनाओ, एंड ये काफी ज्यादा अच्छा थीम है, इसमें काफी यूनिक से फीचर है। एंड हाँ, इसमें कुछ अलग फीचर देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप लोग अपने फोन को अनलॉक करोगे तो आपका यहाँ पे जो वॉलपेपर है वो यहाँ पे देख सकते हो ब्लर होगा, एंड आपको जो ये रॉकेट है ये बोल सकते हो एरोप्लेन, ये काफी ज्यादा अच्छी तरीके से ट्रांजेक्शन के साथ आपको यहाँ पे नीचे की साइड जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। एंड देख सकते हो कितना ज्यादा स्मूथली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, काफी ज्यादा स्मूथ है। एंड यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, आपकी होम स्क्रीन पे भी ये चीज यहाँ पे वर्किंग करते हुए देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पे देखोगे जब हम अपनी लोकेशन ओपन करेंगे तो आपको एक डार्क शेड के साथ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आपका होम स्क्रीन यहाँ पे डार्क शेड के साथ ही ओपन होता है। एंड ये काफी ज्यादा कूल देखने को मिल जाता है। एंड और भी इसमें फीचर देखने को मिलेंगे जो कि आप लोग यहाँ पे इनको यूज करोगे एंड एक्सपीरियंस करोगे तो आपको काफी अच्छे यहाँ पे लुकिंग देखने को मिलेगी। एंड साथ ही साथ यहाँ पे फोल्डर वॉलपेपर का भी यहाँ पे लुक इंस्टॉल कर दिया है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने 10 फोल्डर की जिप फाइल कंप्लीट बनाई है जो कि आप लोगों को पसंद आएंगे। एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके के वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं जो कि आई होप आप लोगों को यहाँ पे पसंद आए, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके के वॉलपेपर होने वाले। एंड ये सारी मैंने अपने फोन में यहाँ पे यूज कर रखे हैं, एंड इनका मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है जो कि आप लोग वन बाय वन करके यहाँ पे देख दो। ऑल्सो नोच भी आपको सपोर्टेड करते देखने को मिलेगी, सही है, शाओमी हाइपरवर्स के नाम से यहाँ पे जाना जाता है ये वाला नोच इफेक्ट, तो आप लोग इसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके के वॉल पेपर आपको देखने को मिलेंगे जो कि काफी ज्यादा कूल आपको देखने को मिलेंगे, एंड सारे ही अपने आप में HD क्वालिटी एंड हाई रेजोल्यूशन के साथ देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इनको भी यहाँ पे एक्सपीरियंस कर पाओगे। एंड ये आप लोगों को इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, तो है ना कुछ अमेजिंग थीम। तो आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे इसको अप्लाई करना है एंड कैसे आप लोग इन सारे फीचर्स को एक्टिवेट कर सकते हो उनके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरी देखना, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो पसंद आए तो जोर से लाइक कर देना। यहाँ पे हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे थीम को आपको सर्च करना होगा थीम शॉप पे जाके, तो यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपर नॉर्मल लुकिंग से हम यहाँ पे थीम को डाउनलोड करते हैं, तो आपको थीम को भी सर्च करना है। यहाँ पे देख सकते हो आपको सर्च करना होगा SI, यहाँ पे SIMLEY आपको इस तरीके से यहाँ पे सर्च करना है। फर्स्ट थीम आपको देखने को मिल जाएगा, ये थीम काफी ज्यादा ऑसम देखने को मिल जाता है। एंड आप ही लोगों में से मेरे को यहाँ पे रिकमेंडेड होगा तो ऑल ओवर और भी थीम देखने को मिल जाती है जैसे कि माई लाइफ V50, बट इन थीम में यहाँ पे ये फीचर नहीं है जो कि इस थीम में इंसर्ट किए गए। एंड ये थीम काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो इसको डाउनलोड हो जाने देते हैं, फिर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ आपको थीम देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस थीम को प्रॉपर अप्लाई कर लेना, ये वन थीम ही आपके लिए सारी चीजों को वर्किंग करके देगा। एंड मैंने बोले ना काफी अच्छा थीम है, तो आप लोग इसको यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे यूज कर सकते हो। ऑल्सो आपको कंट्रोल सेंटर में यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे रिंग लाइट का फ्लिकर नहीं है, बस हमारे एरिया की इलेक्ट्रिसिटी लाइन खराब हुई पड़ी है तो उसको इग्नोर करना, बट यहाँ पे देखो इस तरीके से आपको थीम देखने को मिल जाएगा। एंड ये थीम काफी ज्यादा ऑसम है। अब यहाँ पे देखो आइकन्स मेरे को इतने इसके पसंद नहीं आए, तो मैं आइकन्स दूसरे थीम के यहाँ पे यूज करूंगा जो कि आप लोग भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, आपको यहाँ पे पता होगा। तो आइकन्स वाले हम थीम में जाते हैं, आपको यहाँ पे जो आइकन्स है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको भी पसंद आएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो विलियन डार्डो V12 के आपको ये थीम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इसका आइकन्स आप लोग अप्लाई कर सकते हो क्योंकि प्रीटी मच ब्लैक वॉलपेपर के साथ ये आइकन्स काफी ज्यादा खूबसूरत देखने को मिल जाते हैं। वन ऑफ द फेवरेट आइकन है मेरे थीम स्टोर पे जो भी अभी तक अवेलेबल है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। एंड आप लोग यहाँ पे देखोगे लोकेशन में सारे फीचर आपको वर्किंग करते हुए देखने को मिल जाएंगे, म्यूजिक प्लेयर ऑल ओवर सारी चीजें आपको वर्किंग करते हुए देखने को मिल जाएगी जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये सारे इस तरीके से वर्क करते हैं जो कि अपने आप में काफी ज्यादा अच्छी तरीके की लुकिंग के साथ देखने को मिल जाता है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। कुछ इस तरीके से व्यू देखने मिल जाएगा, फोन को अनलॉक करते हो तो आपका होम स्क्रीन का वॉलपेपर अभी चेंज नहीं होगा, तो इसके लिए आप लोगों को फिर से आना होगा लोकेशन पे, एंड कुछ इस तरीके से वर्क नहीं करता तो इसके लिए क्या करना होगा, जाना अपने थीम स्टोर पे। काफी सारे फीचर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं लेकिन मैं उन्हीं फीचर को एक्सप्लेन करूंगा यहाँ जो कि आपको यहाँ पे वर्किंग करते हुए देखने को मिलेंगे। तो कस्टमाइज पर टैप करना, कस्टमाइज पर टैप करना, एंटर पासवर्ड का ऑप्शन होगा। एंटर पासवर्ड के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं पासवर्ड डाल के नहीं दिखाने वाला, मैं कॉपी पेस्ट करूंगा। यहाँ पे देख सकते हो पेस्ट, आपको ये पासवर्ड डाल लेना है। काइट मोड थीम आप लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हो, अदरवाइज मैंने यहाँ पे टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया, वहाँ से कॉपी पेस्ट करके आप लोग इंसर्ट कर सकते हो ताकि स्पेलिंग मिसकरेक्ट ना हो। तो इस तरीके से ओके कर देना। ओके करने के बाद अब आपके जो यहाँ पे फीचर है वो अनलॉक हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा बफेलो ईयर स्टाइल, यहाँ पर आपको कर देना है सुपर नोच जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वैसे हाइपर वॉच भी देखने को मिल जाएगा लेकिन आप लोग डायनेमिक आइलैंड को सर्च कर देना।
सर्च करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, अनलॉक इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो लॉक स्क्रीन वॉलपेपर चेंजेस स्लाइड टू अनलॉक, तो यहाँ पे कुछ तरीके से सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा द बैकग्राउंड इमेज इज ब्लर फ्रॉम द बॉटम। अब इस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है जो कि इस तरीके से वर्क करेगा, जब भी आप अपने वॉलपेपर को यहाँ पे यानी फोन को अनलॉक करोगे, एक सेकंड में यहाँ पे वॉलपेपर दूसरा लगा लेता हूँ जो कि आप लोग देख सको, तब इस तरीके से जब भी आप अपने फोन को अनलॉक करोगे तो यहाँ पे देखो नीचे से आपको ब्लर होता हुआ देखने को मिलेगा गेस्चर बार से, एंड ऊपर का साइड जो ब्लर नहीं होगा, यानी काफी ज्यादा स्मूथ है। यहाँ पे देखो रेडमी नोट 11 बजट इसमें वर्क कर रहा है तो आपके फोन में तो डेफिनेटली ये प्रॉपर वर्क करेगा। इसके बाद अब नीचे स्क्रॉल करना है, आपको काफी सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, डिफॉल्ट वॉलपेपर स्टाइल, अगर आप लोग डेफिफेक्ट यहां पे यूज करते हो तो फोल्डर वॉलपेपर, अगर यूज करने वाले तो फोल्डर वॉलपेपर सेलेक्ट लेना, एंड अगर नॉर्मल वॉलपेपर यूज करने वाले तो नॉर्मल वॉलपेपर यूज कर लेना। तो यहां पे जो भी है मैं फोल्डर को सेलेक्ट कर लूंगा, यानी कि ये क्या होगा जब भी मैं अपनी लोकेशन या फोन को अनलॉक करूंगा तो डायरेक्टली फोल्डर वॉलपेपर पर अनलॉक होगा, ना कि रीस्टार्ट हो जाएगा थिंक, तो ये इसलिए ऑप्शन है, आप लोग चाहो तो इसको यहां पे यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपके ऊपर है यहां पे देखने को मिल जाएगा। अब यहां पे कुछ तरीके से देखने को मिल जाएगा, नीचे आप लोगों को यहां पे देखो सिलेक्ट फोल्डर होगा, अब इस सिलेक्ट फोल्डर को आपको टैप करके रैक्स iOS पे टैप कर देना है, जो कि आप लोग यहां पे देख सकते हो, इस फोल्डर को सिलेक्ट कर देना, बस यहां पे इस फोल्डर को जरूर से सिलेक्ट करना है आप लोगों को, यार ध्यान से करना जरूर ये चीज, वरना फोल्डर वॉलपेपर आपका वर्क नहीं करेगा। एंड यहां पे कुछ तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, नीचे स्क्रॉल करना है आपको और भी चीजें यहां पे देखने को मिल जाएंगी जो कि मेरे को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी। एप्लीकेशन टॉगल चाहो तो इनेबल कर सकते हो, जो कि एक्स्ट्रा कार्ड देखने को मिल जाएगा इसमें, कि फेक नोटिफिकेशन फेक ऐप यहां पे ऐड कर सकते हो, स्टैंड बाय मोड भी आप लोग ऐड कर सकते हो, एंड चार्जिंग टाइम ऑन कर देना जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑन हो जाएगा, एओडी मोड स्विच ट्रांजैक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, नीचे स्क्रॉल करना फोकस मोड देखने को मिल जाएगा, ऑल्सो बर्बाद है तो इसको यहाँ पे यूज मत करना, नीचे आओगे तो आप लोग शॉर्टकट यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो कि यहाँ पे देखो यहाँ पे कैमरा एंड ये टॉर्च रखे गए, तो आप लोग इनको भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जो कि काफी ज्यादा अच्छी तरीके से आपको वर्किंग करते हुए देखने मिल जाएंगे, तो इनको यहाँ पे जरूर से यूज करना कुछ तरीके से, एंड नीचे स्क्रॉल करके आना होगा आप लोगों ने, यहाँ पे देख सकते हो नीचे काफी सारी चीजें देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पे आपको और भी चीजें देखने मिल जाएंगी। अब देखो लॉक स्क्रीन स्टेटस बार आपको यहाँ पे बैकग्राउंड देखने को मिल जाएगा, तो ये भी काफी ज्यादा अच्छा है, अब यहाँ पे कर देना मैट ब्लैक बैकग्राउंड को, जो कि काफी ज्यादा अच्छी तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, जब भी आप अपने फोन को अनलॉक करोगे तो एक ब्लैक स्टोन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। अब नीचे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा डेस्कटॉप वॉलपेपर, यहाँ पे देखो कस्टमाइज वॉलपेपर ये ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, यहीं पे आपको होम स्क्रीन का नोच ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसको ऑफ कर देना, ब्लर बैकग्राउंड इमेज होगा जो कि इसको यहाँ पे ऑन कर देना, एंड अगर चाहो तो डॉक बार को भी इनेबल कर सकते हो, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। एंड 70 नंबर पर आपको सिंक क्लॉक कलर देखने को मिल जाएगा, जो कि आपकी होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के कलर कॉम्बिनेशन को सिंक करेगा, जो कि आप लोग अपनी लॉक स्क्रीन पे कलर यूज करोगे, जिसके यहाँ पे देख सकते हो ये कलर अभी व्हाइट है, तो हम इसको चेंज करके यहाँ पे जो अभी एक सेकंड यहाँ पे हम इसको अगर चेंज करना चाहें, एक सेकंड यहाँ पे हो क्यों नहीं रहा, यहाँ पे देखो अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से ब्लूइश कर देता हूँ तो आपके यहाँ पे होम स्क्रीन की क्लॉक भी देखने को मिल जाएगी, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो इसको जोर से कर देना एंड आपकी जो लोकेशन है वो प्रॉपर वर्क करने लगेगी। अब ये सारे ऑप्शन एक्स्ट्रा देखने को मिल जाते हैं जो कि फोन को लैग करेंगे, तो इन सबको यहाँ पे इग्नोर करना, ये लाइव वॉलपेपर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि फोल्डर वॉलपेपर कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हो, तो फोल्डर वॉलपेपर को सिलेक्ट करना एंड इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, एक फाइल दी होगी मैंने जो कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हो, और टेलीग्राम पर मैंने अपलोड कर दिया जो कि आपको फाइल देखने को मिल जाएगी कुछ इस तरीके से, विकास पाल देव वॉल हाइपरवाइस, इस फाइल को आपको सिलेक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट हियर कर देना, जैसे आप लोग इसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे एक फोल्डर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो विकास पाल देव फोल्डर के नाम से, इस फोल्डर पर टैप करना आपको यहाँ पे एक फोल्डर देखने को मिलेगा, इस फोल्डर को आपको सिलेक्ट करना है, मूव पर टैप कर देना, मूव पर टैप करने के बाद इंटरनल स्टोरेज आपको जाकर पेस्ट कर देना है, एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से फर्स्ट फोल्डर ही आपका होगा, तो इस तरीके से आपको फोल्डर वॉलपेपर देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर, एंड टैप करोगे यहाँ पे गेस्चर पर अगेन टैप करना, एक बार इंसर्ट वॉलपेपर पर टैप करना, 2 सेकंड रुकना, एंड फिर से फोल्डर वॉलपेपर पर टैप करना, एंड यहाँ पे टाइम एंड यहाँ पे सिलेक्ट करके आप लोग यहाँ से भी चेंज कर सकते हो एंड अपनी कलर को परफेक्टली सिंक कर सकते हो, जो कि आपको काफी सारे वॉलपेपर देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो भी क्लॉक आपको यहाँ पे पसंद आती है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना कुछ इस तरीके से, एक सेकंड यहाँ पे ये जो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है वो सारी चीजों को आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ध्यान से रखना कि एक टाइम पे एक ही वॉलपेपर सिलेक्ट करना है, फोन को एक बार जब से अनलॉक कर लेना, नहीं तो आपका जो फोन है वो काफी ज्यादा लैग करेगा, बस अब यहाँ पे देखो अब ये लैग वैग नहीं करने वाला है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जरूर से एक बार इसको अनलॉक करना फोन को एंड थोड़ी देर यहाँ पे वेट करना, एकदम डायरेक्टली वॉलपेपर मत बदलना, नहीं तो फोन लैग करेगा काफी ज्यादा, क्योंकि वॉलपेपर जिप एकदम सपोर्ट नहीं करती है थीम के साथ, तो आपको थोड़ा सा स्टिल वेट करना होगा एंड ये प्रॉपर वर्क करने लगेगी कुछ ही देर बाद, जो कि आप लाइक कर सकते हो, जो कि आप लोग यहाँ पे देखो इसको कर देना 10 बैक, वॉलपेपर पे सिलेक्ट करना एंड इस तरीके से आपको वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा, जो कि देखो कितना ज्यादा स्मूथली यहाँ पे वर्क करता है, एंड ये ब्लर के बाद और भी ज्यादा अच्छी लुकिंग आपको प्रोवाइड करेगा, तो कुछ इस तरीके से आप लोग इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, एंड वॉलपेपर सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जो भी फाइल यूज करी है तो उनको भी आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, एंड ये थीम काफी ज्यादा परफेक्ट है एंड आप ही लोगों ने सजेस्ट किया, तो थैंक्स टू ऑल माई क्रिएटिव एंड माई लवली सब्सक्राइबर्स जिन्होंने
ने मेरे को सजेस्ट किया, तो ये क्रेडिट आपको जाता हुआ। एंड अगर आपको भी कोई ऐसा थीम पसंद है यानी कि पता है या आपको पसंद है तो जो चाहे मेरे साथ शेयर करना, बस इतना ध्यान रखना कि उसके ऊपर मैंने वीडियो ना बनाई हो। आप लोग सजेस्ट करोगे तो मैं जरूर से आपको क्रेडिट दूंगा एंड वीडियो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। एंड इस तरीके से आपको वीडियो देखने को मिल जाती है। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो यार जो वीडियो को लाइक कर देना, साथ या चैनल को भी सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, देखते के लिए जय हिंद जय भारत।